थैंक यू आप सब लोगों का मेरी मेहनत से और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मेरी सेकंड यूट्यूब पेमेंट जो है वो आज मेरे अकाउंट में पड़ चुकी है। तो हम इस गुल्लक को खोलने वाले हैं और देखते हैं भाई कितने पैसे इसमें निकलेंगे। तो आप देखो भाई मैं दादी को कॉल कर रहा हूँ, दादी उठा पाती है कि नहीं उठा पाती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि कल से ब्लॉग नहीं आएंगे। क्या भाई खत्म हो गया पूरा? हम और ही नहीं, ये वही ना। एक कमेंट ये आ रखा था कि जय बजरंगबली, तो मैं बता दूं कि मंडाण जो लगा था वो माँ भगवती का मंडाण लगा था भाई, हनुमान जी का मंडाण नहीं लगा था। हेलो हेलो, आज कल आज डेली मेरे व्यूज देख रहा है और फिर मेरे को बता रहा है कि आज इतने अच्छे व्यूज आए थे, कल इतने अच्छे व्यूज आए थे। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के खूबसूरत गांव चागांव से। तो सुबह के करीबन 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। तो आज का जो मौसम है वो देखो भाई मस्त हो रखा है, हल्की सी धूप लग रखी है और साथ में पूरे आसमान में देखो भाई बादल छाए हुए हैं। बाकी मम्मी ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट लगा दिया और दीदी जा रखी है चाची लोगों के घर पे, चाची ने बुलाया है उसको, आज शायद कुछ स्पेशल डिश बनी है उसके लिए, तो आपको दिखाते हैं ऊपर छत से अगर यहीं बैठे होंगे तो। दीदी जा रखी है भाई चाचा लोगों के घर पे, चाची ने बुलाया शायद की पकौड़ी बना रखी है वाला, आज तो वहाँ जा रखी है, तो वहाँ रखी है बुआ। आपने लास्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा नीचे बुआ देखी होगी आपने, तो बुआ जो है वो बंचुरी से आए, तो कल आए थे और आज शायद जा रहे हैं, तो उनके लिए शायद उन्होंने पकौड़ी बनाई थी और दीदी को बुला रखे हैं। बाकी बारिश के बाद देखो भाई गाँव के चारों तरफ ना कोरा ही कोरा छा रखा है, इधर साइड भी और पूरा इधर से लेके और सामने इधर पीड़ी पर्वत में भी, खैट पर्वत में भी और हिमालय तो पूरा ढक रखा है भाई कोहरे से। मम्मी ने देखो भाई बना रखी है कल रात की जो बची हुई सब्जी है, लेंगड़े की सब्जी। तो गाइस ब्रेकफास्ट भी हो चुका है और लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि दादी का फोन जो है वो चार्ज नहीं हो रहा, तो शायद उसकी जैक ही खराब होगी अब, तो पहले तो हो जाता था जैसे न तैसा करके, बट अब मैं लेके जा रहा हूँ भाई इसको और देखता हूँ अगर ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दादी के लिए नया फोन आएगा। चलते भाई फटाफट से ये मार्केट देना नीचे और फिर इस पर जैक लगाने के लिए देना, अगर लगा देगा तो ठीक है। हाँ वैसे तो बात तो हो रखी है जैक लगाने की, तो देखते हैं भाई। गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं घर में और शाम के बज रहे हैं 6:30, तो लास्ट वाले ब्लॉग में काफी सारे कमेंट आ रखे थे, तो एक कमेंट ये आ रखा था कि जय बजरंगबली, तो मैं बता दूं कि मंडाण जो लगा था वो माँ भगवती का मंडाण लगा था भाई, हनुमान जी का मंडाण नहीं लगा था, बट कोई बात नहीं है भाई जिसने भी कमेंट किया थैंक यू सभी लोगों का, जितने भी लोग कमेंट करते हैं। बाकी उन्होंने कमेंट तो किया, कुछ लोग तो सिर्फ देखते ही देखते हैं कमेंट नहीं करते, मतलब अगर मैं बोलूं भी तो उसके बाद भी कमेंट नहीं करते भाई। बाकी इस टाइम का जो मौसम है वो देखो भाई पूरे आसमान में ना बादल गिरने लगे हैं और बारिश वाला मौसम होने लगे हैं। दीदी बैठी है यहाँ पे और दादी बैठी है यहाँ पे, तो सुबह मैं दादी का फोन लेके गया था ना, तो उसकी जैक ही खराब है और जिसके पास मैंने दिया है ना, तो उस भैया ने बोला है कि कल तक तुम्हारा फोन वापस मिल जाएगा। तो मम्मी भी गर्मा गर्म चाय लेके आ चुकी है भाई और सुबह मैं बोल रहा था ना कि दीदी जा रखी थी पकौड़ी खाने, तो बुआ आ रखी थी भाई बगल वाली बुआ, तो उनका जो ससुराल है ना वो है बंचुरी, तो मैं बता रहा था ना आज बुआ अपने ससुराल जा रही है, तो सुबह चाचा लोगों ने पकौड़ी बनाई थी बुआ के लिए, तो वही पकौड़ियाँ वही है, तो फटाफट से खाते हैं और फिर घूमने चलते हैं भाई। तो मैंने पकौड़ी टेस्ट की और ये ना कड़वा कड़वा हो रही थी भाई, और अब जाके मैं देख रहा हूँ कि इसमें ना करेले मिला रखे हैं भाई। बाकी मैंने बताया था कि दादी का जो फोन है ना वो मैंने ले जा रखा है सही करवाने के लिए, तो फिलहाल के लिए दादी के लिए ना दीदी ने फोन दे रखा है भाई टच वाला, ये देखो, तो ये जो फोन था ये पहले पापा के पास था, बाकी उसके बाद मैंने भी ये चलाया जब मेरे पास ये आईफोन नहीं था, तो उसके बाद फिर मम्मी ने भी ये चलाया, फिर मम्मी के पास दीदी वाला फोन आया और दीदी के लिए ना जीजू ने फोन दिया, तो उसके बाद ये ऐसे ही पड़ा रहता था। और फिर आजकल ना मैंने बताया था कि जीजू ने ना सैमसंग वाला फोन मेरे को दे दिया है, तो दीदी के पास ये रहता था और दीदी
लेके आ रखी थी आजकल, तो दादी का फोन खराब हो रखा है और फिर दीदी ने सोचा कि दादी को ये दे देगी। और दादी पूछ रही है कि कैसे कैसे उठाना है बल, ये जब कॉल आती है बल, जब मैं कॉल देगा ना थोड़ी देर में तब उठाऊनी हूँ, ठीक है मैं बताओ तो से। तो आप देखो भाई मैं दादी को कॉल कर रहा हूँ, दादी उठा पाती है कि नहीं उठा पाती है। ले ले पकड़ पकड़ ये फोन, उबू कर ऐसे, हाँ उबू कर ऐसे उठी। हाँ हेलो बोल। हेलो इधर फोन लगी आवाज। हेलो इधर ठीक ऑन लगी था पर सुन मेरी आवाज था ऑन लगी ना और जस्ट मेरे को एक मैसेज आया कि आपकी जो सेकंड यूट्यूब पेमेंट है ना वो आपके अकाउंट पे पड़ चुकी है। तो थैंक यू आप सब लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है कि आज मेरी सेकंड यूट्यूब पेमेंट आ चुकी है। तो थैंक यू आप सब लोगों का जिन्होंने पहले से सपोर्ट बना रखा है और जो अभी मेरे न्यू सब्सक्राइबर है, तो ऐसे सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू आप सब लोगों का मेरी मेहनत से और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मेरी सेकंड यूट्यूब पेमेंट जो है वो आज मेरे अकाउंट में पड़ चुकी है। तो थैंक यू एक बार फिर आप सब लोगों का। बाकी ताई जी देखो भाई अपने कामों में व्यस्त हो रखे हैं भाई, और ताई जी लोगों ने इधर लगा रखे हैं मक्का जो कि काफी अच्छे से खिल रखे हैं भाई। ये देखो मस्त हो रखे हैं भाई मक्के की खेती। और आज नहीं काटी सब जो अच्छा ताई जी जल्दी बना देती है भाई खाना, और जब तक हम खाना खाते हैं तब तक ताई जी लोग ना सो जाते हैं। खत्म है पूरा हम और नहीं ये भाई ना अब टाइम पास गगन हो अच्छा तो जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उनको पता हो कि ताई जी लोग ना झांसी की रानी बहुत ज्यादा देखते थे भाई, मतलब जब लाइट भी नहीं आती थी हमारे गांव में ना तो फिर इन्वर्टर चालू करते थे और फिर टीवी देखते थे भाई। और अभी ताई जी बोल रही है कि अब झांसी की रानी खत्म हो गया, कि झांसी की रानी मर गई अब, तो अब मैं थोड़ी लेट बनाती हूँ खाना की। तो नहीं तो पहले आप देखते होंगे कि जब भाभी थी ना तो उस टाइम भाभी रोटी बनाती रहती थी और ताई जी लोग अंदर ना झांसी की रानी देखते रहते थे भाई। जब लाइट नहीं आती थी ना तो इन्वर्टर चलाते थे फिर झांसी की रानी देखते थे, मतलब छोड़ना नहीं था भाई चाहे कुछ भी हो जाए पर झांसी की रानी देखना ही देखना था। तो फटाफट से आगे घूमने चलता हूँ भाई, आशी लोग तो शायद आगे जा रखे होंगे और अन्नु तो खैर आता ही नहीं है भाई, अन्नु को ज़्यादा थकान लगती है ड्यूटी के बाद। कल की भयंकर बारिश के बाद आप देखो भाई चारों तरफ ना हरियाली दिखाई दे रही है और ये पेड़ पौधे देखो भाई क्या हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, और साथ में नीचे जो फसल है ना वो भी काफी हरी भरी दिखाई दे रही है भाई। इधर का जो व्यू है ना वो देखो भाई क्या मस्त दिखाई दे रहा है, जो सनसेट की लालिमा होती ना वो काफी सुंदर दिखाई देती है भाई हमारे गाँव से। भाई घूमने आया था और आज देखो भाई आज यहाँ पे अकेले बैठ रखे है, और कहाँ गए भाई वो आगे जा रखे है। बाकी यहाँ देखो भाई आजकल ना रेगुलर काम होने से यहाँ देखो भाई रोड चम्मच दिखाई दे रही है, पूरी चौड़ी कर दी है इन्होंने, अब जाके ये लग रही है कि रोड है बोल के, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि कोई संकरा रास्ता होगा बोल के। तो गाइस घूम के घर वापस जा रहे थे और इस टाइम आसी मेरे साथ है भाई, दोनों तो चले गए दूध लेने आसी लोग, और मैं तो जब घूमने आता हूँ ना तो बस लोगों की पॉडकास्ट देखता हूँ जिससे कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती है, और मतलब हो जाता है कि पॉडकास्ट में कैसे कैसे होते हैं बोल के, मतलब फ्यूचर में मैं भी कहीं पॉडकास्ट करूँ तो कैसे रहेगा, मतलब ना जैसे लोगों की वीडियोस देखता हूँ तो फिर लगता है कि यार ऐसी बातें कर रहे हैं तो काफ़ी नॉलेज मिलता है और फिर कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है ना वो काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। और आशी जो है ना भाई आजकल आशी डेली मेरे व्यूज़ देख रहा है और फिर मेरे को बता रहा है कि आज इतने अच्छे व्यूज़ आए थे, कल इतने अच्छे व्यूज़ आए थे। तो मैंने बताया था कि जितने भी मेरे दोस्त हैं ना काफ़ी अच्छे सपोर्टर हैं मेरे, और कुछ लोग गांव वाले भी हैं जो मेरे अच्छे सपोर्ट करते हैं, वो तो बाकी कमेंट में दिख ही जाते हैं। पहले से भी काफ़ी सपोर्ट करते थे, अब भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, मतलब होता है कि धीरे धीरे सबको पता लगता है कि लवी ब्लॉग बनाता है बोल के। बाकी कुछ हीटर्स भी है गाँव में, बट उनका नाम मतलब बोल रहा हूँ ना पॉडकास्ट होगा तो मज़ा आएगा भाई। तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कभी बड़े प्लेटफॉर्म में पहुँच जाऊँ उसके बाद वो बातें बताऊँगा, फिलहाल घूम के घर वापस चलते हैं भाई थकान लगी,
और अंधेरा भी हो गया भाई। तो गाइज फाइनली पहुंच चुका हूँ घर में, और सबसे पहले मैं बता दूं कि कल से ब्लॉग नहीं आएंगे, बिकॉज उसके पीछे भी कुछ रीजन है। और कल से जो आएंगे वो दीदी की शादी के पार्ट आएंगे, पार्ट वन तो मैंने अपलोड कर लिया है, तो कल जो आएगा वो पार्ट टू आएगा, और उसके बाद थ्री फोर जितने भी पार्ट होंगे वो मैं अपलोड करता रहूंगा। और मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रहा हूँ इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा, जब दीदी की शादी के पार्ट खत्म हो जाएंगे। बाकी घर में आया था और दीदी की मेरी काफी डिस्कस चल रही थी कि गुल्लक खोले आज, तो ये जो गुल्लक है ना ये दीदी के शादी से पहले ना हमारी सलाह हुई थी कि इसमें दोनों पैसे डालेंगे, वैसे दीदी का गुल्लक था ये, बट फिर दीदी ने बोला कि दोनों इस पे पैसे डालेंगे, तो बाद में देखेंगे कि कितने पैसे निकलते हैं। तो दीदी की शादी से पहले हम सोच रहे थे कि ये गुल्लक खोले एक बारी, फिर बाद में हमने सोचा कि शादी के बाद खोलेंगे। तो हम इस गुल्लक को खोलने वाले हैं और देखते हैं भाई कितने पैसे इसमें निकलेंगे, फिर बंटवारा होगा भाई। ज्यादा किसने डाले है? अच्छा कब अच्छा मेरा भी था। तो भाई मैं बता दूं, पहले ना मिट्टी वाला गुल्लक एक मेरा था और दीदी का ये वाला था भाई, दीदी के इसमें डाल रखे पहले के, और जो मेरा मिट्टी वाला गुल्लक था ना उसको फोड़ा था हमने, उसके बाद जितने भी उससे निकले थे ना मैंने फिर इस पे डाल दिए थे, और अब हम इसको खोलने वाले हैं, तो देखते हैं भाई कितने निकलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है, दोबारा इसी पे डालना है या फिर बंटवारा करना है। तो दीदी खोल रही है भाई, अब उसके बाद गिनते हैं और देखते हैं कितने पैसे निकलते हैं भाई। इसमें कुछ सिक्के डाले हमने, कुछ दस दस के डाले, इसको ऐसे फिर ना ओ भाई साहब। तो भाई दोनों गिनते हैं और फिर देखते हैं भाई कितने निकले, चल रहे कुछ तो गिन। तो भाई दीदी को ना कॉलेज छोड़े हुए कितने साल हो गए? दो साल, और मेरे को कॉलेज छोड़े हुए हो गए 4 साल। तो दीदी ने एमए किया था इसकी वजह से, और फिर मैंने जो किया था मैंने बीएससी किया था, उसके बाद छोड़ दिए थे। और अब कैलकुलेट करते हैं भाई फटाफट से और देखते कितने निकले इस पर। फाइनली हमने जो गुल्लक में रुपए थे ना वो सारे गिन लिए हैं, और जितना हम सोच रहे थे उतने नहीं हुए, और उससे तो बंटवारा भी नहीं होगा भाई। तो दीदी ने कुछ गिने और कुछ मैंने गिने भाई, तो अभी उतने नहीं हो रहे जितने हमने सोचे थे। और कम से कम कितने साल हो गए इनको रखते रखते? हाँ 3 साल, 2 साल तो हो गए होंगे। हाँ जब तू वहाँ गई थी नाइट्री ब्यूटी पार्लर को कोर्स करने गई थी ना, उस टाइम के हैं, तो अभी अभी 1 साल हो रहे भाई, तो ज्यादा भी क्या होने, और वो बंटवारा भी नहीं कर सकते भाई हम। और मम्मी देख रही है भाई साइड से, मम्मी ने खाना भी बना लिया है, बाकी मम्मी हमारा वेट कर रही है। और मैंने रिंग लाइट वगैरह लगा रखी थी, ये रिंग लाइट, और साथ में मैंने बैटरी भी रखी थी। मैं सोच रहा था फिर आगे से ब्लॉग शूट करूँ जिसमें दीदी और मैं दोनों आ जाएंगे, बट फिर पंखा भी चलाना जरूरी था, बिकॉज भयंकर वाली उमस हो रही है भाई, और फिर जब पंखा खुलता है ना तो फिर आवाज भी नहीं आती। तो मैंने सोचा कि ऐसी कैमरा पकड़ के ब्लॉग शूट करता हूँ। तो फटाफट से इनको संभालते हैं भाई और दीदी के पास दे देते हैं, जहाँ रखेगी इसका मन है भाई यहीं रखेगी भाई, और जब ये आएगी उसी के बाद हम बंटवारा करेंगे, अभी तो कुछ है भी नहीं इतना इसमें, तो बंटवारा ही होगा भाई, दोनों ने मिला रखे तो बंटवारा ही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो फटाफट से इनको साइड पे रखते हैं और फिर खाना खाते हैं। तो गाइस फाइनली रात के बज रहे हैं 10, तो खाना भी खा लिया, और मैंने बताया था कि कल से ब्लॉग नहीं आएंगे, इसके पीछे भी कुछ रीजन है जो कि मैं कुछ टाइम बाद बताऊंगा। बाकी कल से जो आएंगे वो दीदी की शादी के पार्ट टू से स्टार्ट होगा, और जितने भी पार्ट बनेंगे वो मैं, वैसे तो काफी सारे लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा अभी तक तो वो जाके देख लो भाई फर्स्ट वाला पार्ट, उसके बाद दूसरा पार्ट देखने में मजा आएगा, और तीसरा चौथा जितने भी मैं अपलोड करता रहूंगा उनको देखने में काफी मजा आएगा। तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ ब्लॉग की एंडिंग, तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसी सपोर्ट बनाए रखे। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।